अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सून टॉपिक छ आज इट इज़ टाइम टू बाय, इट इज़ टाइम टू बाय। तो हमारा जैसे कि हमने कल पढ़ा है, हमारा क्वेश्चन है अब्बास हैज़ 32 रुपीज़, यानी अब्बास के पास 32 रुपीज़ हैं, 32 रुपीज़ हैं। तो ही बॉट ए बॉल, उसने एक बॉल खरीदी, कितने की खरीदी, 17 रुपीज़ की, उसने 17 रुपीज़ की एक बाल खरीदी। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम, और उसके पास कितने पैसे बचे, यानी अगर अब्बास के पास 32 रुपीज़ है तो उसमें से उसने 17 रुपीज़ को खर्च किया, यानी एक बाल खरीदने में अब इसके पास कितने पैसे बचे। तो प्यारे बच्चों, 32 रुपीज़ मीन्स 3 tens, 1, 2, 3, यानी 3 tens, यानी उसके पास 10 tens के कितने नोट हैं, 3 हैं। एंड 2 1 rupees coins, और उसके पास 2 1 rupees coins है। तो उसमें से उसने कितना खर्च किया, 17 rupees, यानी 1 ten, एक 10 का उसने खर्च किया। एंड 7 ones coins, और 7 उसने ones coins खर्च कर दिए। अब हम उसके पास कितने पैसे बचे, सपोज उसके पास 3 tens note है, ओके, उसके पास 2 coins है, ठीक है। अब उसमें उसमें से उसने 1 ten note एंड 7 coins खर्च कर दी, यानी हम अगर पहले वन्स को हम वन्स में से अगर हम माइनस करते हैं, यानी उसमें से खर्च करते हैं वन्स कॉइन्स, तो हम पहले 1 tens का नोट उठाते हैं इसमें से, क्योंकि 2 में से 7 खर्च नहीं हो सकते, तो उसमें से 1 tens इसमें से इसने कहाँ हम किसके साथ जोड़ते हैं, वन्स के साथ। सपोज इसमें से हमने 1 tens खर्च कर दिया, अब इसके पास 2 tens रह गए, और 1 ten का नोट इसने किस किसके साथ मिलाया, कॉइन्स के साथ। तो इसके पास कितने बने, इसके पास 1 tens और 2 coins बनी, यानी 12 rupees उसके पास अभी है। 12 में से अब 7 हम खर्च करते हैं, कितने खर्च करते हैं, 7, 12 में से अगर हम 7 को निकालते हैं तो इसके पास कितने बचते हैं, यानी कि पास कितने कितनी रुपीज़ है अब यहाँ पे, 12। अब एक अब ऐसे हम दे सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 2 मिलाकर कितने हुए, 12। इसके पास अब बनी 12 coins, कितनी बनी, 12 coins। 12 में से इसने खर्च किए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इसने खर्च कर दिए, यानी ये ख़त्म हो गई, बचे कितने, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके पास कितने कितने पैसे कितनी कॉइन्स बची, 12 में से अगर ये 7 खर्च करता है इसके पास 5 बचता है, ओके। अब यहाँ पे कितने टेन्स इसके पास बचे, यहाँ पे इसके पास अभी 1 और 2, 2 tens बचे। तो उस 2 tens में से अगर इसने 1 tens खर्च कर दिया, इसके पास कितने बचे, 1 ten, यानी इसके पास 10 का एक नोट बचा। तो टोटल इसके पास कितने बचे, 1 ten and 5 coins, 1 ten, 1, 2, 3, 4, 5 coins। तो अगर हम 32 में से 17 खर्च करते हैं तो इसके पास 15 rupees बचती है। नाउ अली अली हैड 64 rupees, अली के पास 64 rupees है। ही स्पेंड, उसने खर्च किए 39 rupees उसने खर्च किए एट ए फेयर, एक मेले में उसने खर्च कितने किए, 39 rupees। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, अब उसके पास कितने पैसे बचे, यानी शिप में रफी के पास अली के पास 64 rupees हैं, यानी 6 tens, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 4 coins, 1, 2, 3, 4 और 4 coins,
उसके पास है, यानी 4 रुपीज़ इन कॉइन्स में। तो ही स्पेंट 39 रुपीज़, उसने 39 रुपीज़ खर्च किए। 39, अगर हम 4 से हम 9 खर्च नहीं कर सकते, दैट मीन्स हम इसमें से 6 टेन्स में से 1 टेन्स को, यहाँ पे 5 रह जाते, 1 टेन इसके साथ मिलाते, तो अब इसके पास कितनी कॉइन्स बनी? 14 कॉइन्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 कॉइन्स ये हुई, इसमें से हमने एक को हटा दिया, ठीक है। अब इसके पास 14 कॉइन्स बनी, 14 में से इसने खर्च किए 9। कितने किए? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसके पास कितनी कॉइन्स बची? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके पास 14 में से अगर हम 9 को निकालते हैं, तो इसके हमारे पास बचते हैं 9। ओके, अब टेन्स इसके पास कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5। इसके पास 5 टेन्स बचे, 5 में से इसने खर्च किए 3। 1, 2, 3। कितने टेन्स बचे? 1, 2। इसके पास 2 टेन्स बचे। तो 64 में से अगर हम 39 निकालते हैं, तो हमारे पास बचते हैं 25। ओके,